तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इंस्टाग्राम और फेसबुक में यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी आपका हार्दिक स्वागत। ओम प्रकाश शर्मा आपको नमस्कार करता है। जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो ये है कि महा अक्टूबर, अक्टूबर माह 12 राशियों के लिए किस तरह से क्या सौगात लेकर आ रहा है और किस में सावधानी बरतनी है और हमें क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें हमारे मान प्रतिष्ठा बनी रहे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आर्थिक दृष्टि से, धन लाभ से, केरियर से आदि सभी दृष्टियों से हमारा यह अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, इस संबंध में हम आपके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले जब अक्टूबर महीना प्रारंभ हो रहा है तो 1 अक्टूबर 2023 की रात को 8:45 के लगभग बुध जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेगा और ये बुध लगभग 67 डेज यानी कि 67 दिन के लगभग रहेगा। तो ये इसका राशि परिवर्तन अक्टूबर में 1 तारीख को बुध का हो रहा है। तो दूसरा है आपका शुक्र राशि का, शुक्र राशि का जो है सिंह राशि में गोचर करेगा 2 अक्टूबर को। तो ये धन लाभ किस तरह से दिलाएगा, ये शुक्र है धन कारक, वैभव कारक होता है, तो ये आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव लेकर आएगा। तो सबसे पहले 1 तारीख को बुध, 2 तारीख को शुक्र और याद रखिए 3 तारीख को जो है वो मंगल गोचर करने वाला है। 3 तारीख को, 3 अक्टूबर की शाम को 6:15 के लगभग मंगल ग्रह है ये तुला राशि में प्रवेश करने जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए ये विशेषकर फायदेमंद, पदोन्नति लेकर आएगा, धन लाभ लेकर आएगा। अब इसके अलावा जो हर महीने सूर्य का गोचर होता है तो अक्टूबर में सूर्य का गोचर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहा है। तो इस तरह से जब तुला राशि में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर मंगल स्थित होगा। तो ऐसे में सूर्य और मंगल की युति 12 राशियों पर किस तरह से प्रभाव लेकर आ रही है इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और विशेषकर आपके इनकम और खर्चों पर किस तरह से प्रभाव होगा इसके बारे में ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और साथ ही आपके परिवार के बारे में जोर दे रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये धन लाभ की शुभ स्थिति में बन रहा है। इसे अक्टूबर महीने में 6 राशियों का गोचर परिवर्तन हो रहा है। ये सबसे पहले मैंने आपको बुध बताया, बुध के बाद में शुक्र और शुक्र के बाद में मंगल और मंगल के बाद में सूर्य तो है ही सही और जब अक्टूबर लास्ट उतार आने लगेगा तब राहु और केतु का भी गोचर परिवर्तन आपको परिणाम देगा। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से धन लाभ की, पदोन्नति की और जो यदि आपका बहुत लंबे समय से पैसा रुका हुआ है, धन रुका हुआ है, कोई आपने उधार दे रखा है और वो आपको पैसा देने में आनाकारी कर रहा है तो ऐसे में अक्टूबर माह में उस व्यक्ति से आपको अटके हुए धन की संभावना जरूर मिल रही है, आपको रुका हुआ पैसा इससे आएगा। और यदि आप किसी कैरियर में हैं और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। यदि आप राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो आपके पदोन्नति के चांस बन रहे हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिए, ये तो है शुभ शुभ और अशुभ क्या रहेगा, क्या सावधानी बरतनी है, तो इस महीने में आपको जहाँ तक हो सके लंबी दूरी की यात्राओं से बचना चाहिए। लंबी दूरी की यात्राएँ आपके लिए थोड़ी दुर्घटनाकारक हो सकती है, क्लेशपूर्ण हो सकती है या जो आप यात्रा करने जा रहे हैं उस यात्रा में आपको सफलता मिलने के चांस कम है। तो ये मेष राशि वालों के लिए ये संकेत लेकर आया है। अब है वृषभ राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि की चर्चा कर रहे हैं। तो परिवार में वृषभ राशि वालों के लिए सुख समृद्धि अक्टूबर माह लेकर आया है और जितनी ज़्यादा आप यात्रा करेंगे बिजनेस के संबंध में तो उतना ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। बहुत से ऐसे होते हैं छोटी मोटी यात्रा करके अपना धंधा करते हैं, उन लोगों के लिए ये अक्टूबर माह बहुत ही शानदार तरीके से होगा। इस महीने में धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में
वृषभ राशि वालों के लिए, चाहे उनका बिजनेस कैसा हो या फिर विद्यार्थी हो कि या अन्य कार्य करते हों, सभी में वृषभ राशि को लिए आर्थिक दृष्टि से धन लाभकारी होगा। और यदि वृषभ राशि वाले यदि कोई नया निवेश करना चाहें तो नया निवेश कर सकते हैं, परंतु अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा। मेष राशि वालों के लिए मैंने बताया था कि यात्रा करें तो उसको टालने का प्रयास करें, तो इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए चेतावनी है कि वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, सोच समझ कर बोले, अन्यथा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, किसी से आगे चल के ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। अब आता है मिथुन राशि, तो इस मिथुन राशि वालों के लिए इस माह में पितरों की विशेष कृपा बरसेगी, पितरों की मेहरबानी के कारण आपको आर्थिक धन लाभ होगा, इसलिए इस महीने में आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है और धन पर ज़्यादा ध्यान देना है। अपने फिजूल खर्ची पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे। और साथ ही आपको एक चेतावनी यह है कि आप महिला वर्ग से यदि आप नौकरी करते हैं, कैरियर या कोई से भी जॉब करते हैं या फिर आपके ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें महिला वर्ग है, तो आपको इस महीने में अपने स्टाफ वालों से, महिलाओं से बचकर चलना होगा। महिला वर्ग से इस माह थोड़ा सतर्क रहें, या वरना आपकी वाणी से आपका जो कार्य क्षेत्र में है ये आपके नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आपको इसमें कोई नई समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसलिए आपको महिला वर्ग से बचना होगा। या अभी तक मैंने आपको मिथुन राशि, तीन राशि की बात करी, अब आता है चौथे नंबर कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए इस माह में आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका मन धार्मिक कार्यों के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा, और आप यदि ऐसा काम करते हैं जिससे धन आता है, यानी कि धार्मिक कार्यों से धन की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे पंडित वर्ग, पुरोहित वर्ग या कर्मकांडी जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, किससे आप धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते हैं तो आपको धन ज़्यादा मिल सकता है। और यात्रा का यदि आप मानस बना रहे हैं तो आप बनाइए, इसको आपको अच्छा मनोरंजन के साथ के अलावा आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अतः यह महीना सुख समृद्धि के लिए भरा रहेगा, आर्थिक मामलों के मामले में यह अत्यंत बेहतर समय रहेगा। अब आए सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए जिस तरह से आपके सितंबर माह बहुत खुशी और बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपको खुशियाँ लेकर आया था, आपके जीवन में जो लंबी परेशानियाँ चल रही थी वो परेशानियाँ हल हो चुकी है, तो अब इस माह में उसका आनंद लीजिए। आपको इस माह में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना भी पहले से भी बहुत शानदार है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आप नया निवेश कर सकते हैं, यात्रा आदि करना चाहते हैं तो यात्रा करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस माह में यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो नया कार्य आप बेझिझक प्रारंभ किए, आगे जाके आपको इसके शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। और इसके अलावा आप कहीं कोई पुरानी समस्या के बारे में चिंता करने लगे तो हो सकता है आपके ये ब्लड वगैरह विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आप इस सावधानी से बचे, मन में कभी अशांति नहीं लाए, कभी भय पैदा नहीं करें, पुरानी बातों को याद न करें, आपके लिए चेतावनी है। अब आता है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यदि आप नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई नया प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो आप प्लानिंग के अनुसार काम कीजिए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी और उसका आप जो परिणाम आएगा वो निकट भविष्य में अच्छा ही रहेगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब तुला राशि की हम यदि बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, तो ये जो महीना है आप थोड़ा सोच समझ के चले, खर्चों पर नियंत्रण करें, आपसे आय से ज़्यादा खर्च ज़्यादा होगा। यदि आप यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो थोड़ा यात्राओं पर कंट्रोल करें, परिवार के साथ रहने का अवसर आएगा तो आप परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। अब आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस माह में कोई शुभ समाचार आपके आ सकता है, ऐसे शुभ समाचार जो आपका मन हर्षित होगा और आपके साथ साथ परिवार वाले भी बहुत हर्षित होंगे, तो यह आपके लिए अक्टूबर महीना बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, परिवार में सुख और समृद्धि बने रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता के अच्छे चांस है, व्यापारी हो
बिजनेसमैन हो तो इस महीने में आपको बहुत अच्छे धन लाभ की प्राप्त होगी। यह मैंने आपको वृश्चिक राशि तक बताया, अब आता है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए यह माह जो महीने का आधा हिस्सा करते हैं तो दो सप्ताह अच्छे निकलेंगे, तो लास्ट के दो माह यानी कि 15 तारीख के 16 तारीख के बाद आपके जो समय है अक्टूबर का, तो पहले वाला यानी कि 15 दिन अच्छे भोजतर रहेंगे, तो 15 वाले आने वाले जो अक्टूबर का उत्तरार्ध जो है वो आपको थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इसमें सावधानी सतर्कता बहुत जरूरी है, संभल कर कार्य करें, बस आपको यही सलाह है। अब आता है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में यह शुभ रहेगा, पारिवारिक मामलों में सुखद बनाने का प्रयास करें, फिर भी कुछ परिवार में कहा सुनी हो सकती है, इसलिए आप इससे बचें और अपने अनुभव जो हैं उसको साझा करें और धन लाभ के थोड़ा चांस तो अच्छे हैं, इतना नहीं जितना और लोगों के बेहतर है। अब आता है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए पिछले महीने की अपेक्षा, जो पिछला महीना यानी कि सितंबर जो माह निकला है उसकी अपेक्षा ये अक्टूबर महीना बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेंगे ये तो ही, और नया निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करें और आलस्य को त्याग करें। जो भी प्लानिंग करना है, जो भी कार्य करना है, उसको आलस्य को त्याग करके आप आगे कदम बढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आलस्य कर बैठे, हाथ पर हाथ धर बैठे, तो आप हो सकता है ये महीना ऐसे ही निकल जाए। तो आप समय का थोड़ा ध्यान रखें, समय को महत्व दीजिए तो आपके कार्य सब बनते चले जाएंगे। लास्ट में आता है मीन राशि वालों के लिए, परिवार में आपके परिवार में हो या कार्य क्षेत्र में, या यूँ कहें आप सरकारी नौकरी करते हैं, किसी में भी आपके फीमेल जाति का जो है थोड़ा उनसे थोड़ा संभल कर चले, और परिवार में जो महिला वर्ग है, आपकी बेटी है, बहन है, माँ है, तो उनके यह महीना अक्टूबर का महीना थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब हो सकता है और आपको सावधानी बरतनी है। आपकी मानसिक स्थिति में थोड़ी कमजोर रह सकती है, परेशानियां बढ़ सकती है और अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। तो यह महीने जो है मीन का राशि वालों के लिए अक्टूबर माह फूंक फूंक पर कदम बढ़ाएं तो सही रहेगा, वरना आपका जगह जगह आपको कदम कदम पर मान सम्मान में ठेस हो सकती है, क्लेश बढ़ सकते हैं, मानसिक हानि हो सकती है। इसके अलावा मान सम्मान सब में आपको थोड़ा, इसमें यह महीना है थोड़ा आपके लिए सही नहीं है, तो इससे खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें, चिंता ऐसे भी नहीं करें, खुद का स्वास्थ्य ध्यान रखें। इस माह ऐसे कोई घटना हो सकती है जो कि एक आपके लिए इतिहास बन सकता है, तो फूंक फूंक पर कदम रखेंगे, संभल रखें, इष्ट देव का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है ये माह आपका बहुत अच्छा निकले। अभी तक मैंने आपको अक्टूबर महीने में 12 राशियों के बारे में जो विस्तार से बताया है, अब मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यदि आप नए व्यक्ति हैं, नए दर्शक हैं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण।